नशा मुक्त युवा मंडल टूर्नामेंट का आयोजन दिदमी टिक्कर में युवा नीतीश सोनी व अंकुश ठाकुर के द्वारा करवाया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में लगभग 36 टीमें भाग ले रही हैं। भाजपा हमीरपुर के मीडिया प्रभारी विकास शर्मा ने टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों से रूबरू होकर उन्हें खेलों में भाग लेने व नशे से दूर रहने का आह्वान किया। विकास शर्मा ने इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों के जरिए एवं खेल भावनाओं के साथ देश व प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों में रुचि दिखानी चाहिए, जिससे स्वस्थ तन व स्वस्थ मन रहेगा व नशे से भी बचाव होगा। इस मौके पर विकास शर्मा ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर की तारीफ करते हुए बताया कि आज हमें अपने युवा सांसद पर गर्व है। उन्होंने विश्व के मानचित्र पर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व सुंदर क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में बनवाया है। आज उसे देखकर समस्त प्रदेशवासी सहित देश को भी गर्व महसूस होता है। इस दौरान वादेवी व भोरिंस की टीमों के बीच मैच हुआ, जिसमें भाग ले रहे खिलाड़ियों को विकास शर्मा ने शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत टिक्कर डिडमी के पूर्व प्रधान उत्तम चौधरी के अतिरिक्त सुमित, बिपिन, राहुल शर्मा, सुरेंद्र कुमार आदि युवा उपस्थित रहे। और वादेवी के बीच ये मैच चल रहा है। इस मैच में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे बुलाया गया, और जबकि मैं तो बहुत इनका आभारी हूँ, क्योंकि इस तरह के खेलों के जरिए हमारे देश के, प्रदेश के और जिला के युवा आगे बढ़ रहे हैं, जो नशे से दूर हैं। और इस तरह की प्रतियोगिताएं मैं तो चाहता हूँ हर गली कुचे, हर मोहल्ले में, हर जिले में, हर प्रदेश के ब्लॉक में होनी चाहिए, ताकि हमारे जो यूथ साथी हैं वो खेलों के जरिए आगे बढ़ें। और खेलों से देखिए, आज हमारे खेलों के आईपीएल में 3 हिमाचल के लड़के सिलेक्ट हुए हैं, जो कि करोड़ों में उनकी बोली लगाई गई है। तो अनुराग ठाकुर जी जो हमारे सांसद हैं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के, उन्होंने हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्रिकेट के जरिए हिमाचल का नाम प्रसिद्ध किया है। तो यहाँ पे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये आगे जाने के लिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, और मैं इन ऑर्गेनाइजर को भी शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने इतना बढ़िया टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और हमें यहाँ आने का मौका मिला। खेल को खेल भावना के साथ खेला जाए, ना कि उसको किसी तरह से किसी आपसी रंजिश की तरह से खेला जाए। खेल भावना के जरिए खेल को खेलें, खेल के जरिए लोगों को ये जागरूक करें, नए युवा पीढ़ियों को जागरूक करें कि खेल के जरिए हम क्या देश को संदेश पहुंचा सकते हैं, किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह से एकजुटता के साथ रह सकते हैं और नशे से दूर रहा जा सकता है। मेरी तो यही सबसे कहना है कि सारे खेल के जरिए और युवा लड़कों को आगे लाने का प्रोत्साहन करें।